ऋषिकेश में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं में फिल्म मनमर्जियां को लेकर भारी रोष है। सिख समुदाय ने फिल्म में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म मनमर्जियां में अभिषेक बच्चन सिख का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें वो धूम्रपान भी कर रहे हैं, जबकि उन्हें सिखों के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। अभिषेक बच्चन सहित फिल्म के कई किरदारों ने सिखों की पगड़ी और गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, जिससे सिख समुदाय और कानून व्यवस्था को लेकर अशांति का माहौल बन सकता है। ये विषय तो ये है कि जो अभी मनमर्जियां पिक्चर रिलीज हुई है, अभिषेक बच्चन जिसमें सरदार का किरदार निभा रहा है, तो उसको इतना नहीं पता कि सरदार का जो किरदार है इनका इतिहास क्या है। उसमें सिगरेट करता हुआ उसको दिखा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहा है, उसमें एक सिखों की लड़की भी है तापसी पन्नू, जो उसमें वो भी सिगरेट पी रही है। फिर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की जो भावना है जो हमारी उनके प्रति, उसको उन्होंने भड़काने का काम किया है, जिससे हमारे सिख धर्म में बहुत रोष है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर मुकदमा दर्ज करने के लिए ऋषिकेश में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऋषिकेश से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।